हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। आज हम जिस फिल्म की बात करने वाले हैं उसे 2017 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में काफ़ी अच्छा रिव्यू मिला, साथ ही साथ बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और मुंबई फिल्म फेस्टिवल में भी काफ़ी तारीफें बटोरी हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं 2017 में आई राजकुमार राव की फिल्म ओमेर्ता का। 25 जुलाई को जी फाइव पर ओमेर्ता को रिलीज़ कर दिया गया। लगभग 1.5 घंटे की फिल्म है और ओमेर्ता के डायरेक्टर हैं हसल मेहता। सिमरन, शाहिद, अलीगढ़ जैसी फिल्म बनाने के बाद मेहता साहब एक बार फिर कुछ अलग फिल्म लेकर आए हैं। आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ओमेर्ता का मतलब क्या होता है। ओमेर्ता का मतलब होता है खामोशी। ऐसे वर्ड्स को क्राइम वर्ल्ड में एक कोड वर्ड के जैसे यूज़ किया जाता है। हसल मेहता ने इस बार किसी हीरो पर नहीं बल्कि एक आतंकवादी के लाइफ के ऊपर बेस्ड मूवी बनाई है। इस मूवी में कुछ इंसिडेंट्स को भी हाईलाइट किया गया है, जैसे 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, 2002 में अमेरिकी जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल का मर्डर और 1994 में टूरिस्ट को दिल्ली से किडनैप कर। तो आइए दोस्तों, अब हम थोड़ी स्टोरी जान लेते हैं। इस फिल्म में राजकुमार राव बेहद ही रूथलेस टेररिस्ट के रोल में नजर आएंगे, जो आतंकी उमर शहीद शेख की लाइफ के ऊपर बेस्ड है। फिल्म के स्टार्टिंग में हम राजकुमार राव को लंदन के एक पब में देखते हैं और उसके बाद हमें धीरे धीरे पता चलता है उमर के डेंजरस गेम के बारे में, जहां वो दिल्ली से 3 ब्रिटिश और एक अमेरिकन लेडी को किडनैप कर लेता है और उनके बदले 10 टेररिस्ट को छोड़ने की शर्त रखता है। लेकिन प्लान फेल हो जाता है और उमर को तिहाड़ जेल जाना पड़ता है। लेकिन कुछ दिनों बाद 1999 में प्लेन हाईजैक करके उसे छुड़ा लिया गया। इसके बाद वो कई टेररिस्ट अटैक की तैयारियां करने लगता है। इस बीच हम देखते हैं कि एक अच्छा पढ़ा लिखा लड़का कैसे इस्लामिक कट्टरपंथियों के चंगुल में फंस जाता है और ये कट्टरपंथी मिलकर उसे किस तरीके से ब्रेन वॉश करके जिहाद के रास्ते पर ले जाते हैं, कैसे उसे मरने के बाद जन्नत और 72 हूरें मिलेंगी, ऐसे किस्से सुनाकर उन बेकसूरों की जान लेना सिखाता है। हसल ने एक बार फिर रिस्क लेकर अपनी इस नई फिल्म में एक आतंकी की कहानी को कुछ अलग ढंग से पेश करने की हिम्मत जुटाई है, जो कि वाकई काबिले तारीफ है। तो आइए दोस्तों, अब हम परफॉर्मेंस के बारे में जान लेते हैं। एक कोल्ड ब्लडेड और साइको टेररिस्ट के रोल में राजकुमार ने जान डाल दी है। कुछ सीन्स में ऐसा लगता है जैसे वो राजकुमार नहीं बल्कि उमर शेख ही हो, जो देखने में बेहद ही शांत लेकिन अंदर से उतना ही जालिम है। एक बार फिर से राजकुमार ने खुद को बेहतरीन एक्टर प्रूव किया है। राजकुमार की परफॉर्मेंस बॉलीवुड में नेपोटिज्म पे ऐसा असर करती है जैसे खुजली पर जालिम लोशन। डैनियल के रोल में टिनोथी रायन, साथ ही साथ केवल अरोड़ा, राजेश भी अपने रोल में परफेक्ट दिखते हैं। राजकुमार की तारीफ जितनी करें उतनी कम है। हर सीन में ऑडियंस को स्क्रीन से चिपकाए रखते हैं। और व्यूवर्स, मैं आप सबको याद दिला दूं, अगर आप मेरे चैनल पे हैं नए तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस फिल्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करना बेहद ज़रूरी है। जैसे हसल मेहता किसी भी इंडियन सोल्जर की वीरगाथा दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने एक आतंकवादी को चुना, जो कि वाकई काबिले तारीफ है। हसल ने ये पूरी कोशिश की है दिखाने की कि आज के यंग जनरेशन कैसे आतंकवादी संगठनों की तरफ अट्रैक्ट होती जा रही है। ये फिल्म इस धारणा को भी तोड़ती है कि सिर्फ गरीब और अनएजुकेटेड लोग ही आतंकवाद की राह पे चलते हैं। फिल्म में हसल मेहता ने पाकिस्तान का भी पर्दाफाश किया है कि कैसे वो अपने देश में खुफिया एजेंसी ISI के जहरीले सांपों को दूध पिलाता है और पूरी दुनिया में अटैक्स को प्लान करता है। जाते जाते दोस्तों, मैं आप सबको ये बता दूं, आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। इस फिल्म को जितना बनाना मुश्किल रहा होगा, उतना ही इसे देखकर आपके लिए मुस्कुराना हो सकता है। इस फिल्म को राजकुमार के लिए ज़रूर देखें, ताकि आपके मन में जो थोड़ी बहुत इज्जत अर्जुन कपूर, अनन्या पांडे, वरुण जैसे एक्टर्स के लिए रह गई हो, वो भी खत्म हो जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।